वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल तैयारी। मेरा नाम है चेतन पारिक। आर एस अग्रवाल की बुक सॉल्व कर रहे थे अपन इंग्लिश वाली, उसके अंदर परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, उसका 11th नंबर पार्ट अपन शुरू करने के लिए जा रहे हैं। टोटल अब तक 10 पार्ट्स आ चुके हैं और इसके अंदर अभी और भी खूब सारे पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है इस चैप्टर के इस बुक में। तो हर एक क्वेश्चन को करते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए भी छोड़ता हूँ जो जो सेम टाइप के होते हैं या जो बहुत ही सिंपल से होते हैं। और 10वें वीडियो के अंदर, 10वें पार्ट के अंदर अपन ने 179th नंबर क्वेश्चन किया था लास्ट वाला, उसके बाद अब मैं डायरेक्टली 188th के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। बीच वाला क्वेश्चन जो एक बार आप जरूर अपने हाथों से कर ले, सिंपल से सवाल थे, बेसिक से सवाल थे, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हैं ताकि अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो। तो 188th नंबर क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, वॉट परसेंट ऑफ जेड इज एक्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक्स परसेंट ऑफ वाई इज इक्वल टू जेड, जेड के इक्वल है कौन है, वाई का एक्स परसेंट, वाई का एक्स परसेंट। सवाल पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ जेड इज एक्स, एक्स जो है जेड का कितना परसेंट है, ये आपको पूछा है। तो यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू या तो रख दो या फिर जेड की वैल्यू रख दो, यहाँ पे किसी की एक की वैल्यू रख दो। तो जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, ये है, यहाँ पर रख देते हैं जेड की जगह, कितना मिल रहा है, वाई इंटू एक्स और अपॉन में 100। एक्स से एक्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इंटू 100 कितना आएगा, इधर आएगा तो 100 का स्क्वायर, और ये वाई जो है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो 100 स्क्वायर अपॉन वाई, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है इफ एक्स इज 80% ऑफ वाई देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x इज वाई। एक्स जो है वो वाई का 80% है, 80% मतलब 4/5 है, ठीक है, ये एक चीज हो गई। तो सवाल पूछ रहा है देन व्हाट परसेंट ऑफ 2x, 2x का कितना परसेंट y है। तो यहाँ पे वही करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4y/5 आ रही है, वो यहाँ पर रख लेते हैं, तो 2 इंटू 4y डिवाइड में 5, ये 100 है तो 100 का 100 रहने देते हैं, क्वेश्चन मार्क इक्वल में y, तो इक्वल में y, इस चीज़ को सॉल्व करना है। 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, अब उसके बाद कोई भी वैल्यू अगर करते हैं तो उसको काट देते हैं, 2 से काटने पर ये मुझे मिल रहा है 50, ये 2 आ गया, ये कितना मिल रहा है मुझे 25, 25 इंटू 5 कितना हो गया 125, और 125/2, 125/2 करने पर मुझे कितना मिल रहा है 62.5%, ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 6% ऑफ x फ्रॉम x इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग x बाई हाउ मच। यहाँ पे कह रहा है सब्ट्रैक्टिंग 6% ऑफ x फ्रॉम x, x से x का 6% अगर आप माइनस करते हो, इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग एक्स बाई हाउ मच, ये एक्स को किस से मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त वैल्यू के इक्वल होगा, ये आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक्स, एक्स तो सारे के सारे हट गए, यहाँ पे 100 में से 6 जाएगा, यहाँ पे देखो ये 1 है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करना है, तो 100 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा, 94/100, तो यहाँ से क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ रही है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 0.94, यानी ऑप्शन बी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला सवाल देख लेते हैं, सिंपल सा सवाल था ये। अगला सवाल, x परसेंट ऑफ y प्लस y परसेंट ऑफ x इज इक्वल टू विच, आई थिंक ये सवाल आप खुद ही कर लेंगे, बेसिक से सवाल है, नॉर्मल से क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल भी सिंपल है, मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, अगला क्वेश्चन भी सिंपल सा है, ये भी मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, बेसिक से सवाल है। इस टाइप के क्वेश्चन को नॉर्मल बेसिक से इक्वेशन बना बना के सॉल्व करने होते हैं, यहाँ पे अपन ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अगले अच्छे थ्योरेटिकल क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आई थिंक 194th भी आप कर लेंगे, 198 भी आप कर लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन बेस्ड है, आपको हर एक क्वेश्चन करना है वीडियो को पॉज कर करके। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी सिंपल सा सवाल है, अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी सिंपल है, इसको एक बार कर ही लेते हैं। क्या कह रहा है, इफ़ ए इज 60% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ 4a इज 5b। ये कह रहा है कि ए जो है बी का 60% है, 60% मतलब 3/5, ठीक है, देन व्हाट परसेंट ऑफ 4a इज 5b, तो 4a का कितना परसेंट 5b के इक्वल है, ये आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है इंडायरेक्टली। तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 3b/5 आ रही है, तो a की जगह मैं रख देता हूँ यहाँ पे 3b/5, ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 से काटने पर ये मुझे कितना मिल रहा है, 25 मिल रहा है, ठीक है, और ये 25 इंटू 5 करने पर 125, और 125 इंटू 5 करने पर कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। ये b से ये वाला b तो कैंसिल हो रहा है, ये 3 जो है इस तरफ डिवाइड में आ जाएगा, इसमें डिवाइड लगाते हैं अगर तो 625/3%, ऑप्शन में डायरेक्टली दे ही रखा है, ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं।
एक्स जो है 63% वाई का है, देन वाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कह रहा है कि एक्स जो है वो 63% है किसका, वाई का। तो ये पूछ रहा है वाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों को अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 63 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10,000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर। तो पूछ रहा है वाई स्क्वायर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कितना परसेंट है इस तरफ आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर का कितना परसेंट है यहाँ पे देख लो, 10,000 बट्टा 63 का स्क्वायर, ये क्यूब नहीं है ये स्क्वायर है। ठीक है, इस चीज़ को सॉल्व करना है, इनटू 100 कर लेंगे परसेंटेज लाने के लिए, जो भी अप्रोक्सीमेटली वैल्यू मिलती है उसको आप सॉल्व करके टिक लगा लेंगे। आई थिंक कैलकुलेटर कैलकुलेशन वाला पार्ट जो आप खुद ही कर लेंगे। अगले सवाल की ओर चलते हैं। इफ ए इज इक्वल टू दिस बी सी एंड डी आर ईच इंक्रीज बाई 10%, देन हाउ मच डज ए इंक्रीज। ए जो है वो है आपको दे रखा है बी इंटू डी अपॉन सी, बी इंटू डी अपॉन सी दे रखा है। ये कह रहा है कि बी सी और डी हर एक को अगर आप 10% इंक्रीज कर देते हो तो ए पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अगर आप इसको 10% इंक्रीज करते हो बी को, तो बी की जगह आप क्या लिखोगे यहाँ पे 1.1 बी, डी की जगह क्या लिखोगे 1.1 डी, और सी की जगह क्या लिखोगे 1.1 सी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 1.1 से तो 1.1 कट गया, फाइनली ये कितना था बी डी अपॉन सी था, अब कितना हो गया 1.1 बी डी अपॉन सी हो गया। ए की वैल्यू कितना बढ़ रहा है, वही 10% बढ़ रहा है, फाइनली इस क्वेश्चन में आंसर कितना होगा 10% ही होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल देख लेते हैं। इफ ए परसेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी परसेंट ऑफ वाई, देन सी परसेंट ऑफ वाई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्स। सिंपल सवाल, आई थिंक आप खुद ही कर लेंगे। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, द फर्म यूजेज द फॉलोइंग फंक्शन टू कैलकुलेट द प्रोडक्शन आउटपुट। प्रोडक्शन आउटपुट निकालने के लिए फॉलोइंग फंक्शन यूज किया जा रहा है, क्या फंक्शन है, प्रोडक्शन प्रोडक्शन आउटपुट जो है वो है 5.3 c² × l^5, l^15, वेयर सी इज इक्वल टू कैपिटल इन्वेस्टेड एंड एल इज इक्वल टू लेबर एम्प्लॉयड। इफ द कैपिटल इन्वेस्टेड सी इंक्रीज बाई 20% एंड द चेंज इन पी ओ विल बी। ये कह रहा है कि अगर आप कैपिटल इन्वेस्ट को 20% इंक्रीज कर दोगे तो यहाँ पे और ये जो प्रोडक्शन आउटपुट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो एल की पावर 15 तो फिक्स है, इसको आपने छेड़ा ही नहीं, 5.3 को भी आपने छेड़ा ही नहीं, जो भी चेंजेज है वो केवल और केवल आपने सी में किए हैं। सी को आपने क्या किया है 20% बढ़ाया है, मतलब 5 से 6 किया है, यानी कुल मिला के जो चीज़ पहले 25 थी उसको आपने 36 बना दिया है। कितना इंक्रीज किया है आपने यहाँ पे, 11 का इंक्रीज किया है। किस पर किया है ये 11 का इंक्रीज, 25 के ऊपर किया है। इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए इंटू 100 कर लेता हूँ, ये काटने पर 4 मिल रहा है, और 11 × 4 कितना हो गया 44 हो गया, तो 44% इंक्रीज, ऑप्शन सी अपना इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, अगला सवाल देख लेते हैं। अ कंपनी रिसीव्ड 2 शिपमेंट्स ऑफ बॉल बियरिंग। इन द फर्स्ट शिपमेंट 1% ऑफ द बॉल बियरिंग्स वर डिफेक्टिव, पहले शिपमेंट के अंदर 1% बॉल बियरिंग डिफेक्टिव थी। इन द सेकेंड शिपमेंट विच वॉज ट्वाइस एज लार्ज एज द फर्स्ट, इसके अंदर मान लो x बॉल बियरिंग्स थी तो इसके अंदर मान लो 2x बॉल बियरिंग्स थी, जो है ट्वाइस जो है लार्जर है, क्वेश्चन में दे रखा है। 4.5% ऑफ द बॉल बियरिंग्स वर डिफेक्टिव, इसके अंदर जो है 4.5% बॉल बियरिंग्स डिफेक्टिव थी। इफ द कंपनी रिसीव्ड टोटल ऑफ 100 डिफेक्टिव बॉल बियरिंग्स, हाउ मेनी बॉल बियरिंग्स वर इन द फर्स्ट शिपमेंट। तो फर्स्ट शिपमेंट के अंदर कितनी बॉल बियरिंग थी ये आपको फाइंड करना है। देखो x का 1% प्लस 2x का 4.5%, ये टोटल मिलाकर डिफेक्टिव पीसेज आ गए, और टोटल मिलाकर डिफेक्टिव पीसेज जो है वो 100 के इक्वल है। एक इसके इक्वल दे रखे 100 के इक्वल है, यहाँ से क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करने पर एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और वही अपन को पूछा है कि फर्स्ट शिपमेंट में कितनी बॉल बियरिंग्स आई थी, तो यही आपको फाइंड करना था। यहाँ पर देखो ये यहाँ से 0 हटा देते हैं, पॉइंट हटा के यहाँ पर 0 लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं 1000 LCM लेता हूँ तो यहाँ पर मुझे कितना मिलेगा 10x, यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 90x इज इक्वल टू 100। ये टोटल ऐड होकर कितना हो गया 100x हो गया, 100 से 100 अगर कट गया तो x की जो वैल्यू है वो मुझे कितनी मिल रही है 1000 मिल रही है। x की वैल्यू कितनी मिल रही है 1000, यानी पहले शिपमेंट के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉल बियरिंग्स कितनी थी 1000 थी। क्लियर, अगला सवाल देखते हैं। इन अ ग्रेजुएट क्लास ऑफ 200 40% आर वुमेन एंड 1/5 बिकम लेक्चरर्स। 200 ग्रेजुएट हुए किसी क्लास में, उसका 40% यानी 80 वुमेन थी,
ठीक है, और उसका 1/5 लेक्चरर बनी। 80 का 1/5 कितना होता है, 16 होता है, वो कौन बनी, लेक्चरर बन गई। आगे, इफ द नंबर ऑफ मैन हु बिकम लेक्चरर इज ट्वाइस दैट ऑफ वुमेन, वुमेन से ट्वाइस थे मैन जो लेक्चरर बने, मैन में लेक्चरर बनने वाले कौन है, कितने जने हैं, ट्वाइस है, यानी अगर 16 वुमेन थी तो 32 मैन है। कैलकुलेट अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ मैन हु बिकेम लेक्चरर, तो आदमियों का कितना परसेंट जो है टोटल लेक्चरर बने। देखो 200 में से 80 तो महिलाएं थी, तो 120 आदमी थे, और 120 में से 32 जने अगर लेक्चरर बने हैं, तो आपको ये पूछा है कि 132, 120 का कितना परसेंट है ये 32, इसको 100 से गुणा कर देते हैं, यहाँ पे 6 बार में कट जाएगा 20 से, और ये 5 बार में कट गया, 2 से काटने पर 16 मिल गया, 2 से काटने पर 3 मिल गया, 16 × 5 कितने हो गए 80 में जब आप 3 का डिवाइड लगाओगे तो ये लगभग लगभग अप्रोक्सीमेटली 27 बार में पूरा पूरा जा रहा है, क्योंकि 27 × 3 81 हो रहा है, लगभग लगभग देखा जाए 26 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, इसको अपन 27 मान लेते हैं, तो ऑप्शन डी अपना करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन में अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही पूछी गई है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द कंटेंट्स ऑफ अ सर्टन बॉक्स कंसिस्ट ऑफ 14 एप्पल्स एंड 23 ऑरेंजेस, हाउ मेनी ऑरेंजेज मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉक्स so that 70% of the pieces of the fruit in the box will be apple। क्या है कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 14 एप्पल्स है और टोटल 23 ऑरेंजेस, टोटल 23 जो है ऑरेंजेस, ये कह रहा है हाउ मेनी ऑरेंजेस मस्ट बी रिमूव्ड, कितनी ऑरेंजेस को बाहर निकाल दिया जाए, सो दैट 70% ऑफ द पीसेज ऑफ फ्रूट इन द बॉक्सेज विल बी एप्पल, ताकि 70% हो जाए टोटल का। देखो ये टोटल है कितना, टोटल यहाँ पे ये कितना है, देखो ये टोटल इसको अगर देखा जाए तो 23 और 4 कितने हो गए 27 और 37, टोटल कितना है 37 है, ठीक है 37 है यहाँ पे। अब 37 में से 14 तो एप्पल है और 23 क्या है ऑरेंजेस, सवाल कह रहा है कि इसमें से मैं कितनी ऑरेंजेस को हटा दूँ ताकि 70% बच जाए मेरे पास यहाँ पे एप्पल की वैल्यू। देखो एप्पल जो है ये है, टोटल जो है मान लो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और इंटू 100 कर दूँ, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 14 तो एप्पल थी, टोटल मैंने नीचे लिख दिया और ऊपर 100 लिख दिया, ये जो भी मुझे मिलेगा वो क्या होगा 70% होगा, किसका टोटल का, 70% हो जाएगा टोटल का, यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल का 70%, ठीक है ये हो गया टोटल का 70%। देखो अब टोटल है कितना, टोटल यहाँ पे 14 तो एप्पल है ये तो फिक्स है, ऑरेंजेस कितनी है एक्स है, ये मान लेता हूँ मैं ऑरेंजेस हो गई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे भी 14 प्लस टोटल ऑरेंजेस कितनी है एक्स, इस चीज़ को अपन को सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे 100 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 14000 मिल जाएगा, उसके बाद ये जो चीज़ है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो हालांकि स्क्वायर के अंदर मिल जाएगा, इसको अपन ऑप्शन से कर लेते हैं, आई थिंक इस तरीके से ये कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा टफ होने वाली है, मैं डायरेक्टली ऑप्शन ही पकड़ पकड़ के देख रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन में अपन ना उलझे। वापस से देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर कि 14 एप्पल है और 23 ऑरेंजेस है, सवाल में कह रहा है कितनी ऑरेंजेस को हटा दें ताकि 70% एप्पल बच जाए। देखो अगर आप 6 अगर आप ऑरेंजेस हटा देते हो, 6 ऑरेंजेस हटा देते हो तो पीछे कितनी बचेगी, ये 17 बचेगी, ठीक है, तो क्या ये 14 इस पूरे का ये टोटल कितना हो रहा है, देखो 21 और 31, ये जो 14 है वो 31 का 70% है क्या, नहीं है, तो ये आंसर अपना नहीं हो सकता। 12 को देख लेते हैं, अगर मैं 12 निकालता हूँ तो पीछे कितने बचेंगे, 11 बचेंगे, तो क्या ये 14 टोटल कितना हो रहा है, ये 25 हो रहा है, 25 का 70% है, तो चेक करने के लिए यहाँ पे 4 बार में जा रहा है बिल्कुल नहीं है, तो इसको भी आंसर अपन नहीं लगाएंगे। उसके बाद में यहाँ पे क्या है 17 को चेक करके देख लेते हैं, 17 को चेक करते हैं तो पीछे कितना बच रहा है 6, ठीक है पीछे कितना बच रहा है 6 बच रहा है, टोटल ये का यहाँ पे कितना है 14 और है कितना ये 20 इंटू यहाँ पे कितना है 100 करेंगे परसेंटेज में निकालने के लिए, यहाँ पे 5 बार में जा रहा है 14 × 5 बिल्कुल 70% आ रहा है, तो ऑप्शन सी ही इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है, इसको तो चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि 36 तो ऑरेंज है ही नहीं अपने पास टोटल, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। इसको अगर कन्वेंशनल मेथड से करने के लिए जाते हैं जैसे अपन पहले कर रहे थे तो इक्वेशन आपने देखा ही था कितनी भारी इक्वेशन बन रही है, उसको अपन को सॉल्व नहीं करना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, द वेट ऑफ एन एम्प्टी बकेट इज 25% ऑफ द वेट ऑफ द बकेट व्हेन फिल्ड विद सम लिक्विड, किसी बकेट का, खाली बकेट का जो वेट है वो 25% है जब उसके अंदर कुछ लिक्विड होता है, ठीक है, सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, उसमें से कुछ लिक्विड निकाल दिया गया, देन द बकेट अलोंग विद द रिमेनिंग लिक्विड वेटेड 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट,
वॉट परसेंट ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड। देखो मान लो ये कुल मिला के एक बकेट है, ठीक है, और इसके अंदर ही कुछ लिक्विड भर, ठीक है, तो इस अब ये जो टोटल पूरा का पूरा है, इसके अंदर कंटेनर का वेट भी शामिल है और इसके अंदर इस लिक्विड का वेट भी शामिल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहली लाइन, द वेट ऑफ एम्प्टी बकेट इज 25% ऑफ द वेट ऑफ बकेट व्हेन इज फिल्ड विथ सम लिक्विड। इसके अंदर जब लिक्विड होता है, देखो मान लो लिक्विड समेत इस पूरे के पूरे कंटेनर का, लिक्विड को मिलाते हुए इस पूरे के पूरे कंटेनर का वेट 4 है, तो उसका 25% यानी कितना होगा, 1 होगा। उसका 25% कितना होगा, 1 होगा। तो वो जो 1 है वो अपना क्या है, कंटेनर का वेट है, तो 1 तो है कंटेनर का वेट और 4 है टोटल वेट। तो पीछे जो 3 आ रहा है वो क्या है, लिक्विड का वेट है। पीछे जो 3 आ रहा है वो क्या, लिक्विड का वेट है। अब आगे क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, इसमें से कुछ लिक्विड अपन ने बाहर निकाल दिया। देन द बकेट अलोंग विथ द रिमेनिंग लिक्विड वेटेड 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट, 3/5 ऑफ द ओरिजिनल वेट। अब वो जो है 3/5, 4 का 3/5 कितना होगा, 4 का 3/5 अगर देखें अपन तो 12/5 होगा। कुछ पोर्शन निकालने के बाद 12/5 जो है कंटेनर और लिक्विड का टोटल वेट आ रहा है। अब इसमें से मुझे पता है कि 1 का तो केवल और केवल कंटेनर ही था, 1 का तो केवल और केवल कंटेनर ही है, तो यहाँ पे कितना मिल रहा है मुझे, इसको सॉल्व करने पर 7/5 मिल रहा है। मतलब अब जो लिक्विड अंदर बचा है वो कितना है, 7/5 है। पहले 3 था और अब लिक्विड कितना बचा, 7/5 बचा। तो पूछ रहा है व्हाट परसेंट ऑफ द लिक्विड हैज बीन रिमूव्ड, रिमूव्ड कितना किया गया। देखो तो 3 में से आपने पीछे 7.5, 7/5 ही बचा है, मतलब जो भी डिफरेंस आएगा वो आपने निकाला है। 3 का कितना परसेंट अब आपको देखना है, तो 15 में से 7 जाएगा, 15 में से जब 7 चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 8/5, और ये 3 है तो इसको 3 ही रहने देते हैं अपॉन में, ठीक है। तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 8/15 × 100, ताकि इसको परसेंटेज में चेंज कर सकें। 5 से काटने पर 3 मिल रहा है, 5 से काटने पर ये कितना मिल रहा है मुझे, 20 मिल रहा है, ठीक है। ये हो गया 160/3, 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है 150 तक, फिर आगे चला गया 1, फिर से 5 बार में पूरा पूरा जा रहा है, सॉरी 3 बार में पूरा पूरा जा रहा है, 5 बार में तो 15 तक चला गया, फिर उसके बाद 3 बार 9 तक जा रहा है, पीछे बच रहा है 1/3। तो 53, 1/3% इस क्वेश्चन में अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लियर। तो गाइज आपको आई होप सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, अपकमिंग क्वेश्चन को अपन अपकमिंग वीडियोज के अंदर सॉल्व करेंगे। थैंक यू।